हाय फ्रेंड, मिस्टर केपी एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस यानी भूतिया जगह, जो कि गुरुग्राम में है। जयपुर हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ सेक्टर 81 की तरफ है, जो कि नरचुन्नी स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल था, फिलहाल ये खंडर पड़ा हुआ है। सुनने में ऐसा आया है कि यहाँ पे एक लड़का और लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। ये स्कूल अब भूतों का इलाका कहलाता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। इसी की सच्चाई जानने के लिए आज हम इस प्लेस पर आए हैं, जो कि भूतिया माना जाता है। कहते हैं शाम होते ही यहाँ लोगों को, चलते हुए लोगों को भूत आवाज देकर बुलाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। चलिए आज यही देखते हैं। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल है। नाइट का समय है, अभी रात के 2 बज रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम उसकी सीमा में हैं स्कूल के अंदर, और इसका मुख्य द्वार दिखाता। ये इसका मुख्य द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है। काफी बड़ा स्कूल है। सॉरी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब हम रात के समय में जो वीडियो आपने पहले देख रहे थे वो वीडियो रात की थी, लेकिन हम उसके मुख्य द्वार तक जैसे ही पहुंचे थे हमारी गाड़ी पंचर हो गई। फिर मेरा दोस्त मेरे साथ था जो राहुल, वो कहने लगा पहले हम पंचर बनवाएंगे इसके बाद चलेंगे, लेकिन पंचर बनवाने में हमें इतना टाइम हो गया कि सुबह ही हो गया। फिर ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ये सुबह के टाइम का है। वैसे भी हमारा मकसद तो इस स्कूल को दिखाना था भूत प्रीत का, तो वैसा कुछ होता नहीं है। चलिए इस स्कूल के अंदर का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिन में ही दिखा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिर्फ स्कूल देखना था, भूत थोड़े ना देखना था। तो ये इसकी बाउंड्री है और ये हम उस गवर्नमेंट स्कूल की सीमा में हैं। ये पूरी सीमा उसी की है, चारों तरफ से इसकी अभी बाउंड्री भी है जो कि मजबूत है। ये इसका मुख्य द्वार था, यहीं पर हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर हमने गाड़ी यहाँ से वापस कर ली और जब तक हमारी गाड़ी का पंचर बना, ऐसा कुछ देखने में दिखता, देखी देखी ये निशान हमें ना पूरे वीडियो में दोनों साइड मिलते। अब इस ये पता ना क्या है, भूत है भाई क्या है, ये तो आप लोग जानो, क्योंकि जब हम वापस आए थे तब भी हमें यहाँ पे वैसा ही ये जो लाइट दिख रही, जबकि अभी सुबह का वक्त है, यानी सुबह के 7 के समथिंग बज रहे, अभी 7 साढ़े 7, 7 बजे के समथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं दिखना चाहिए था। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी लंबा है, ये तो सिर्फ एक पार्टीशन है। यहाँ पे आजाद सिंह जी की भी फोटो लगी हुई है। ये रूम है, खंडर की माने तो ये स्कूल अभी अच्छी कंडीशन में है, उतना खंडर नहीं है, क्योंकि इसकी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ सही सलामत हैं, उतना खंडर नहीं है। लेकिन दिन में कहते हैं लोग यहाँ पे जुआ शराब का काम होता है, पूरे दिन ताश वगैरह खेलते रहते हैं लोग, दिन में कोई दिक्कत नहीं होती।
अभी अभी तो बहुत सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। ये मेरा साथ ही है, मैं हूँ। इन कमरों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी गई है जो कि हमें डरा सके कि भाई यहाँ भूत हैं, यहाँ आना मना है, यानी किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी इस जगह पे नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई ये जगह भूतिया है। चलो देखते हैं। ये दूसरा हिस्सा, यानी बहुत बड़ा स्कूल है, थोड़ा बहुत टूटा पड़ा है, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। वैसे ही सारे कमरे खिड़कियां बंद पड़ी हुई हैं, कुछ दरवाजे भी लगे हुए हैं। चोरों ने भी यहाँ पे चोरी वगैरह करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि खिड़की दरवाजे लगभग लगभग सभी रूमों में हैं, किसी किसी के टूटे हुए हैं, नहीं तो सभी में। ये मानचित्र है हरियाणा का। वैसे स्कूल की कंडीशन सब ठीक ठाक है। ये हम वापस होते हैं और इसके पीछे एक छोटा सा हिस्सा था, वो देखिए, वो मेरा साथी है, मैं ही हूँ। उस हिस्से में चलेंगे, फिर वहाँ से घूम के आगे वाले में जाएंगे। यहाँ इसके पीछे एक कुआ था, ये पूरा हॉल है, लेकिन बहुत बड़ा हॉल है। इसकी लंबाई समथिंग होगी 40 फिट के समथिंग होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है। ये इसका एरिया भी काफ़ी है, बहुत जगह है इसके अंदर। कहते हैं यहाँ कोई एक लड़का लड़की जो कि प्रेमी थे, उन्होंने अपने माँ बाप या जिसके भी चाहो उसके डर से इसी स्कूल के अंदर आत्महत्या कर ली थी, दोनों ने एक ही साथ। तभी से इस स्कूल को बंद कर दिया गया और तभी से फिर ये इसकी ये हालत हो गई है, ये खंडर पड़ा हुआ, ऐसा इधर के लोग कहते हैं। और तभी से इसे भूतिया प्लेस घोषित कर दिया। अब हम इसके दूसरे हिस्से में चलेंगे, लेकिन कोई खास है नहीं। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जिस हिस्से, ये कोई मंदिर वगैरह था, चबूतरा सा था, क्या था, ऐसे चबूतरे और इसके पीछे भी बने हुए थे, जो कि जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी ना, उसके ही सामने एक चबूतरा सा और था। और जो हम उस हिस्से से खड़े होकर कैमरा दिखा रहे थे, यानी उस कोने से हम पहले कैमरा इसकी तरफ दिखा रहे थे, ये वही हिस्सा है। इसमें मैंने डायरेक्ट गाड़ी ही घुसा दी, क्योंकि वैसे कुछ है नहीं इसमें खास। ये सेम कंडीशन है जैसे उस साइड हमने रूम में घुस घुस के अंदर देखा था, वही कंडीशन इधर है। किसी में दरवाजे हैं, किसी में दरवाजे नहीं हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि उस टाइम का जो स्कूल था, ये सबसे बड़ा स्कूल रहा होगा, क्योंकि इसमें लगभग तो 70-80 रूम के समथिंग, यानी 70-80 रूम बहुत मायने रखता, बहुत बड़ा स्कूल होगा उस टाइम का। ये देखिए, काफी लंबा स्कूल था। इस कोने में हमें कुछ बार बार दिख रहा है, आप थोड़ा गौर करके देखना। और वैसे कोई खास नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, हमारी गाड़ी का जो पोजीशन है वो सूर्य के अपोजिट है, लेकिन फिर भी हमें ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे कुछ लगता है कि भाई कहाँ से आ रहा पता नहीं चल रहा, जबकि मैंने शीशे गाड़ी के मोड़ रखे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।